मित्रों मेरा नाम शंकर शरण त्रिपाठी है लेकिन ज़्यादातर तो लोग लो मुझे एस त्रिपाठी के नाम जानते हैं मैं यहाँ राजस्थन ओपन यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स में एज एकेडमिक कंसल्टेंट हूँ आज मैं आपको वेक्टर स्पेस और उसमें जो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेट्स होते हैं उनकी सहायता से बेसिस तक आपको ले चलूँगा ये मेरी योजना है क्योंकि विक्टर स्पेस स्ट्रक्चर में बेसिस एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो जानना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा आपको हम वेक्टर स्पेस की आइडिया दे दें जिसके लिए कुछ खास चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है जैसे देखिए आप लोगों में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि एक नॉन एम सेट वी होता है और एक फील्ड दो सेट्स लेते हैं तो ज़्यादातर स्ट्रक्चर में हमारे पास एक ऑपरेशन होता है लेकिन इस स्ट्रक्चर में भी हम हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं एक तो आपका प्लस है जो मैप होगा v क्रॉस v से v में और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जो मैप होगा f क्रॉस v से v में तो इस प्लस से नंबर वन अगर आप v को प्लस के साथ ले लें तो दिस इज एन अबेलियन ग्रुप एक ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है मतलब दो एलिमेंट को आप ऐड करें तो यहीं रहेगा जैसे x प्लस वाई लो v में तो ये रहेगा उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड ये रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड इसको सूटिबला बोलते हैं देर इज़ एलिमेंट जीरो सच दैट जीरो प्लस एक्स ये सब फॉर एवरी एक्स वाई जेड है और उसके बाद हर एक्स के लिए देर इज अ माइनस एक्स जो जीरो आएगा और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स फॉर एवरी एक्स वाई इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद हम कहेंगे इट इज़ अ बिल ग्रुप ए प्लस की प्रॉपर्टी है वी के साथ सेकेंड प्रॉपर्टी है एफ़ के लिए जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है ना ए वाला इसको डॉट बोलते हैं अगर मैंने अल्फ़ा फील्ड का लिया और एक्स वी का लिया तो इस एलिमेंट को वी में होना इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन आपने पढ़ा भी हो इंटरमीडिएट में अगर किसी में इसी स्केलर से गुणा करेंगे तो वेक्टर होगा इसकी लेंथ बढ़ेगी अगर अल्फा एक से बड़ा है इसकी लेंथ घटेगी अगर अल्फा एक से कम है तो वही चीज़ है और उसके बाद इसमें होगा क्या कि अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा एक्स फिर वन इन टू एक्स इक्वल टू एक्स उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ला थर्ड इज़ योर डिस्ट्रीब्यूटिव ला ये सब प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं इसमें क्या होगा थर्ड इज़ कि अगर आपने अल्फा यहाँ लिया x प्लस वाई लिया तो क्या होगा ये अल्फा x प्लस अल्फ़ा वाई और उसके बाद अगर मैंने अल्फा राइट में लिया तब भी वही होगा जैसे x प्लस वाई यहाँ मैंने अल्फा ले लिया तो क्या होगा x अल्फ़ा एट्सट्रा ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने पढ़ी होंगी शुरू में ही क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग है तो इसी स्ट्रक्चर को लिए कि हम आज कुछ करेंगे तो पहले ये जान लें कि जनरली आप जब एग्ज़ाम्पल करते हैं ना कॉन्सेप्ट न क्लियर होने पर आपे कोई आप कोई अजनबी सवाल आपसे पूछ लिया जाए जो आपका पढ़ा हुआ ना हो तो आपको दिक्कत होती है जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ अगर वी को मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूँ और फील्ड को मैं रियल नंबर ले लूँ तो क्या वी एफ वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा क्वेश्चन है अब आप तमाम तरह सोचें लेकिन एक चीज़ देखो पहली शर्त क्या थी कि वी को प्लस के साथ क्या होना चाहिए अबेलियन ग्रुप आपको मालूम है यन में जीरो नहीं होता अगर एक्स है तो माइनस एक्स नहीं होता तो आपका एन प्लस ग्रुप ही नहीं है इसलिए तुरंत आप कहेंगे वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा चलो दूसरा एग्जाम्पल मान लो मैंने वी को ले लिया जेड सेट ऑफ इंटीजर फिर मैं पूछूँ क्या ये सेट ऑफ इंटीजर रियल नंबर फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगी अगेन द सेम थिंग अब आप देखिए प्लस वाली प्रॉपर्टी तो हो जाएगी यहाँ क्योंकि दो इंटीजर जोड़ोगे तो इंटीजर आएगी तीन इंटीजर का इस ला भी इसमें लागू होगा जीरो भी है जीरो प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो हर एक्स का माइनस एक्स भी है इस सब जेड में है तो और एक्स प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स भी है तो जेड प्लस तो ग्रुप हो जाएगा लेकिन जरा इसको देखो अगर मैंने अल्फा को ले लिया रूट टू एक किसका एलिमेंट है फील्ड आर का और हमने एक्स जेड का ले लिया एक्स को मैंने फाइव ले लिया अब देखिए अब आपका अल्फ़ा एक्स क्या होगा रूट टू इंटू फाइव क्या ये जेड में है नो no. तो फील्ड नहीं है तो इस तरह देखो क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो तीन कैटेगरी के होते हैं पहला आपका होता है नॉलेज टाइप ये सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट करता है दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन टाइप कि आपके पास जो नॉलेज है क्या उसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं थर्ड है जो सबसे मुश्किल होता है एनालिसिस टाइप कि जो आपने पढ़ा है उसके बारे में अगर कोई चीज़ कमेंट किया जाए तो आप उसके बारे में कुछ कह सकते नहीं एक मैं उदाहरण दे दो बिल्कुल प्राइमरी स्कूल का कक्षा दो का बल्कि जैसे अगर मैं कक्षा दो का नॉलेज टाइप का सवाल पूछूँ वो आपसे कहूँ कि पाँच का पहाड़ा पढ़ो सब लोग पढ़ेंगे लेकिन वट इज़ दिस ये तो होगा ही लेकिन मैं अगर इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दूँ अप्लिकेशन में और आपसे मैं कह दूँ फाइव टू द पावर वन बाई टू इसका पहाड़ा पढ़िए अब आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपने ऐसा कभी सोचा ही नहीं ना कभी किताबों में जिक्र किया गया तो ए पाँच का पहाड़ा पूछना नॉलेज टाइप सवाल है इसका पहाड़ा पूछना ये सवाल है अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लीकेशन लेकिन अब आप देखें कि ये चीज़ आपको बताने में क्यों दिक्कत होगी कुछ लोग बता देंगे लेकिन ज़्यादातर तो लोगों को दिक्कत हो गया रही इस तरह पहाड़ा तो पढ़ा नहीं फ़ाइव की पावर हाफ ले लो वन बाई सेवन ले लो कुछ भी ले लो तो जरा नियम समझिए इसी ऐसे ही कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जो आपको सब्जेक्ट इजी बनाता है जैसे मैं आपसे कहूँ पाँच का पहाड़ा पढ़ें तो आप जो आपकी जो टेक्निक है वो क्या है पाँच इकैनम पाँच फाइव वन जा फाइव फाइव टू जान एनसो ऑन मतलब क्या हुआ जिसका पहाड़ा पढ़ना है उसको आप एक से गुणा करेंगे दो से गुणा करेंगे तीन से चार से पाँच से छः से एंड सो ऑन यही तो नियम है अब जैसा मैं आपसे कहूँ एक्स का पहाड़ा पढ़ो अब आपको नियम मालूम हो गया कि जिसका पहाड़ा पढ़ना है उसको एक्स से गुणा करो वाई से गुणा टू से एक्स को वन से टू से थ्री तो से तो एक्स का पहाड़ा क्या होगा एक्स का नम एक्स एक्स इंटू टू टू एक्स थ्री थ्री एक्स फोर एक्स एंड सोन तो एक्स का पहाड़ा हुआ अब आप किसी का पहाड़ा पढ़ सकते हैं जैसे मैं आपसे कहूँ फाइव टू द पावर वन बाई टू पहाड़ा पढ़ो तो क्या होगा दिस इंटू वन फिर इसका दूना क्या होगा दो से गुणा कर करो तियाई इसका तीन से गुणा कर दो सोन ये मेरा कहने का मतलब है ये तो मैंने बताया बिल्कुल बेसिक लेवल पर हायर लेवल पर भी ये कॉन्सेप्ट चलता है कि आप नॉलेज टाइप के सवाल आपसे पूछे गए हैं या अप्लीगेशन टाइप के या एनालिसिस टाइप के या अंडरस्टैंडिंग टाइप के तो हम चाहते हैं कि आप चीज़ों को अगर समझ के करेंगे मतलब कोई चीज़ कैसे हुई तो आप इन तर, इस तरह के सवालों का उत्तर दे देंगे इसलिए ज़रूरी है कि जो आप पढ़ें उसकी एक एक बारीक चीज़ों को जान ले तब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा और इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे अब देखिए आज हम शुरू करें तो जस्ट इंट्रोडक्शन था हम शुरू करेंगे आप आज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट ये ध्यान रखिएगा हम आपको जो भी पढ़ाएंगे उसमें हर तरह के सवाल बताएंगे, नॉलेज टाइप अप्लीकेशन टाइप अंडरस्टैंडिंग टाइप एनालिसिस टाइप ताकि आपको पता हो ना कि, कि चीज़ों को ठीक से समझने का असर क्या होगा कि आप चीज़ों का जवाब दे देंगे अब जैसे देखो डिफाइन कैसे करेंगे मान लो मैंने वी उसको शार्ट में बी एफ लिखेंगे इस तरह लिखेंगे ए एफ का मतलब फील्ड वी का मतलब वेक्टर स्पेस तो अगर मैं बी एफ लिखता हूँ तो क्या पढ़ा जाएगा वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ फील्ड में भी देखिए स्ट्रक्चर होता है फील्ड भी क्या होगा एफ प्लस ग्रुप होता है इसमें एफ स्टार डाट भी ग्रुप होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी होता है फील्ड में कई स्ट्रक्चर हैं जो आप शुरू में पढ़े होंगे तो मान लो मैंने मान लिया लेट बी एफ बी अ विक्ट स्पेस देन सेट set x1 x2 टू डॉट डॉट एक्स ऑफ बल्कि चाहे सबसेट लिख लें क्योंकि उससे छोटा होगा ये का एक सबसेट है हमें बताना है कि लीनरली इंडिपेंडेंट कब होगा और लीनरली डिपेंडेंट कब होगा तो देखें दिस इज कॉल्ड शार्ट में लीनरली इंडिपेंडेंट लिख देंगे इफ एक इक्वेशन मैं बना रहा हूँ अल्फ़ा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा एन एक्स एन अगर मैंने इसको ज़ीरो मान लिया तो इसका सल्यूशन क्या होगा इसको हल कैसे करेंगे तो परिभाषा यह है कि अगर आपने कोई इस तरह से चीज़ लिया तो ये तभी संभव है या इम्प्लाई क्या करेगा कि जितने अल्फा आई हैं सब के सब जीरो हों फॉर एवरी आई इक्वल टू वन टू डॉट डॉट एन मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है और सभी अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन जीरो हो गए तो मैं कहूँगा कि हमारा एक्स वन एक्स टू एक्स एन इज लीनियरली इनडिपेंडेंट अगर एक भी नॉन जीरो आ जाए तब उसको क्या कहा जाएगा डिपेंडेंट एंड वो भी लिख देते हैं फिर एग्जाम्पल से समझाते हैं एंड सेम सेट एक्स वन एक्स टू एक्स एन दिस इज कॉल्ड लीनरली डिपेंडेंट इफ अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस अल्फा एंड एक्स एन अगर जीरो हो तो क्या इंप्लाई करेगा अल्फा आई इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एवरी आई सभी अल्फा अल्फाई जीरो नब अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो एलडी हो जाएगा मतलब इसका ये नहीं कि सभी नॉन जीरो हो एटलीस्ट वन नॉन जीरो हो ये लॉजिकली यही इसका मतलब हुआ अल्फा अल्फाई नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ कि दैट इज एटलीस्ट वन अल्फ़ा आई इज नॉट इक्वल टू ऐसा नहीं इसमें भ्रम में पड़ते हैं लड़के कि इसका मतलब तो हो गया सभी नॉन जीरो हो लेकिन फॉर एवरी आई है ना अगर एक भी ना हुआ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा ते आपका कॉन्सेप्ट हुआ डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट का हम इसको और थोड़ा एज ए ले मैन समझा दें जैसे मान लो हमने एक समीकरण जस्ट फॉर रिक्रिएशन हमने एक समीकरण लिया एम इन टू कैट प्लस एन इंटू डॉग बराबर जीरो और मैंने कहा इसको हल करिए तो आप कहेंगे अरे कैसा एक क्वेश्चन है भाई कैट डैग लेकिन टेक्निकली देखिए लॉजिकली इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ कैट्स यम है नंबर ऑफ़ डॉग्स एन है इसके सम को हमने जीरो हुआ अब संभव है कब ऐसा होगा ये तभी संभव होगा जब कैट की संख्या भी जीरो हो और डॉग की संख्या भी जीरो हो बिना इन दोनों को जीरो जीरो हुए ये जीरो नहीं हो सकता क्यों कैट और डॉग में कोई रिलेशनशिप नहीं है कि दोनों को जोड़ो तो जीरो हो जाए या निगेटिव हो तो मैं क्या कहूँगा कैट डॉग दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट क्योंकि दोनों जीरो हो गए है ना एक और तुम लोगों ने सुना होगा इंटरमीडिएट में कोलीनियर और नॉन कोलिनियर जैसे अगर वेक्टर्स ए और बी अगर आपके कोलिनियर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी बराबर अल्फा ए जहां अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है अब जरा परिभाषा से आइए हमारे जो वेक्टर्स कोलिनियर है वो डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं अब देखो एक क्वेश्चन आया ना इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं अल्फा ए प्लस माइनस वन बी इक्वल टू ज़ीरो अब देखें इसमें एक कोफिशेंट तो अल्फ़ा है वो भी नॉन जीरो है माइनस वन भी क्या है नॉन ज़ीरो है इसका मतलब दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट क्योंकि इंडिपेंडेंट कब होता जब दोनों जीरो हो जाते हैं तो ध्यान रखिएगा अगर ए और बी क्लियर हैं तो दे फोर हम क्या कह सकते हैं ए बी दे आर लीनियरली वॉट डिपेंडेंट अब आइए कुछ और चीजें देख लें अंडरस्टैंडिंग टाइप दूसरा एग्जाम्पल इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्टर स्पेस तो क्वेश्चन ये उठेगा एक एलिमेंट में सिंगल्टन एक्स ले लू तो क्या होगा ये डिपेंडेंट होगा या इनडिपेंडेंट होगा नियम वही है आप इस तरह समीकरण बना के चलिए अगर कोफिशेंट सब जीरो हो जाएं तो एल आई अदरवाइज़ एल डी तो यहाँ तो एक ही एलिमेंट है तो उस तरह समीकरण लेंगे तो क्या बनेगा बताओ कंसीडर अल्फ़ा एक्स इक्ल टू ज़ीरो यही समीकरण बनेगा अब यहाँ एक एलिमेंट है तो एक ही आया दो होता तो दो लिखते जैसे मान लो यहाँ हमने एक्स वन एक्स टू लिखा होता तो क्या लिखता मैं अल्फ़ा वन एक्स वन प्लस अल्फ़ा टू एक्स टू ऐसा लिखता ना तो यहाँ एक है अब बताइए एक्स आपका नान ज़ीरो है हमने एक्स को नॉन जीरो लिया और इस समीकरण के अंदर अल्फ़ा एक्स को टू ज़ीरो को सेटिसफाई होना है तो कब संभव होगा ये जब हाँ बताओ अब अगर एक्स नॉन जीरो है तो अल्फ़ा को दो जीरो होना चाहिए ना दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज़ ज़ीरो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर फोर ए सिंगल्टन एक्स इज़ ही लीनियरली वॉट इंडिपेंडेंट तो याद रखिएगा सब आगे काम आएगा छोटी छोटी बातें हैं कोई भी सिंगल्टन सेट अगर नॉन जीरो हो तो क्या होगा इट इज़ इंडिपेंडेंट जैसे देखो एक और एग्जांपल दे दें आर आर बैगर मैं सिंगल्टन वन ले लूं आपसे पूछूं बताओ ये एल है या एल है चूंकि वन नॉन जीरो है और एक एलिमेंट है तो क्या हुआ ये इंडिपेंडेंट हुआ अब जरा जीरो लेके देखें एंड व्हाट अबाउट सिंगल्टन जीरो दिस इज ियरली डिपेंडेंट क्यों बिकॉज इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो इवन देन तो भी हमारा जो अल्फा इंटू जीरो है वो जीरो हो जाएगा अब आप कोई कह सकता है लड़का कि ठीक है आप अल्फा को जीरो लीजिए तभी तो जीरो इंटू जीरो हो जाएगा तो अल्फा जीरो पर भी पॉसिबल है नॉन जीरो पॉसिबल है तो कैसे हम कहेंगे इनडिपेंडेंट है इसलिए कि इंडिपेंडेंट में ज़रूरी है कि अल्फ़ा मस्ट बी जीरो यहाँ देखो यहाँ इंडिपेंडेंट क्यों हुआ क्योंकि अल्फ़ा एक्स जीरो है तो अल्फ़ा का जीरो होना ज़रूरी है लेकिन यहाँ नॉन ज़ीरो होने पर भी ये जीरो हो जाएगा तो सिंगल्टन सेट में अगर नॉन जीरो है तो एल आई और जीरो है तो एल डी आप जरा एग्ज़ाम्पल थोड़ा वैसे लेते हैं जैसे परीक्षाओं में आपको मिल सक मिलते हैं जैसे मैं वेक्टर स्पेस ले रहा हूँ कंसिडर द वेक्टर स्पेस आर थ्री किस फील्ड के ऊपर आर फील्ड के ऊपर आर थ्री का मतलब हुआ है एक्चुअली थ्री डायमेंशन जैसे एक्स एक्सेस है वाई एक्सेस है जेड एक्सेस है ए ओरिजिन है तो जो पूरा स्पेस बनाना इसी को बोलते हैं आर थ्री हमारा पूरा ब्रह्मांड थ्री डायमेंशन का है डायमेंशन तो बहुत से हैं एक दो तीन चार पाँच छः सौन फोर डायमेंशन की जिंदगी और भी हमसे फर्क होगी वहाँ पर जो हम किसी चीज़ को देख रहे हैं ना अगर इसको फोर में देखें तो ऐसा नहीं दिखेगा लेकिन हम थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं अब यहाँ का एलिमेंट किस टाइप का होगा कोई भी एलिमेंट अगर आपने पी लिया तो इसमें क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स 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 एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस का और जेड कोऑर्डिनेट बोलो जेड एक्सिस का कोई पॉइंट इस तरह हुआ तो इसी डायमेंशन में हम तीन एलिमेंट ले रहे हैं और देखते हैं कि सेट हमारा एल है या एल आई एल आई नहीं है न बल्कि एग्जाम्पल के तौर पर लिख दें देन इज द सेट वन जीरो जीरो फिर क्या लिया मैंने जीरो वन जीरो और थर्ड एलिमेंट इज जीरो जीरो वन इज द सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट एक क्वेश्चन है हमारा क्या ये सेट इंडिपेंडेंट है अब देखो तीन एलिमेंट है ये हमारा एक्स वन है एक्स टू है एक्स थ्री क्योंकि परिभाषा में मैंने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिया था ना तो यहाँ वन ज़ीरो ज़ीरो अब देखो वन जीरो ज़ीरो किसका एलिमेंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो है जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो है तो किसका एलिमेंट हुआ है एक्स एक्सिस का वन ज़ीरो ज़ीरो इसी को आप वेक्टर आई भी कहते हैं यूनिट वेक्टर इंटर में कहाँ होगा जीरो वन जीरो किसका कोऑर्डिनेट है किसका पॉइंट है कहाँ का वाई एक्सिस क्यों यहाँ एक्स भी जीरो है जेड भी जीरो है वाई है तो ये पॉइंट आपका हुआ वाई एक्सिस पर जीरो वन ज़ीरो पॉइंट कहाँ होगा जेड एक्सिस पर क्यों यहाँ एक्स वाई तो ज़ीरो है और जेड क्या है वन है तो तीन वेक्टर्स हुए एक एक्स एक्सिस का एक वाई एक्सिस का एक जेड एक्सिस का इसको अगर वेक्टर की तरह लिखना चाहें तो एक्चुअली आई जे के हुआ लेकिन आपको इसी तरह पूछते हैं इसी तरह थियरम भी बनेगी अब देखो नियम क्या है जैसे अगर हमारे पास तीन वेक्टर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री होते तो मैं क्या लेके चलता अल्फ़ा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस अल्फ़ा थ्री एक्स थ्री इक्वल टू ज़ीरो सॉल्व करता अगर तीनों अल्फ़ा वन अल्फा टू अल्फा, टू, अल्फा थ्री जीरो हो जाते तो क्या मैं कहता लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर एक भी नॉन जीरो आ जाए तो मैं क्या कहता डिपेंडेंट अब वही मैं कर रहा हूं देखो हमारा एक्स वन वन जीरो जीरो है तो क्या लेके चलूँ मैं अल्फा वन इंटू एक्स वन जहां एक्स वन है वहां पर क्या रखा जाएगा वन जीरो जीरो राइट फिर अल्फा टू एक्स टू एक्स टू की जगह क्या है बताओ जीरो वन जीरो प्लस अल्फा थ्री एक्स थ्री तो एक्स थ्री की जगह क्या है ज़ीरो वन ज़ीरो ये हुआ ना इसको मिटा देते हैं दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो 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 देखिए आर थ्री का ज़ीरो है डायमेंशन वन का ज़ीरो ज़ीरो होगा डायमेंसन टू का ज़ीरो 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 इस तरह लिखा जाएगा डायमेंसन थ्री का ज़ीरो 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 और डायमेंसन फ़ोर होता तो उसका जीरो कैसा होता ज़ीरो 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 डायमेंशन फ़ोर का जीरो है फाइव डायमेंशन होता तो पाँच जीरो एंड सो ऑन तो चूँकि हमारा डायमेंशन थ्री है तो हमने क्या मान लिया अल्फ़ा ज़ीरो वन अब इसको सॉल्व करना है अगर सॉल्व करने के बाद सभी अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री जीरो हो गए तो सेट क्या होगा इंडिपेंडेंट अदरवाइज़ डिपेंडेंट अब देखो इम्प्लाई क्या बनेगा अल्फ़ा वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा वन अल्फा वन इन टू जीरो जीरो ये भी जीरो यही तो है ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी गुणा करते हैं तो क्या आएगा जीरो यस अल्फा टू ज़ीरो यहाँ भी गुणा करो तो ज़ीरो आई एम सॉरी यहाँ ज़ीरो ज़ीरो वन होना चाहिए ठीक अल्फा थ्री ज़ीरो ज़ीरो यहाँ गुणा करोगे ना अल्फा थ्री से दिस इक्वल टू ज़ीरो 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 मैंने केवल हर पॉइंट से अल्फ़ा वन से गुणा कर दिया यहाँ अल्फा टू से यहाँ अल्फा थ्री से अब इसको जोड़ेंगे जोड़ने का नियम क्या है कोऑर्डिनेट वाइज तो जा जा देखो जोड़ के अल्फा वन एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या आएगा बताओ अल्फ़ा वन प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो दूसरा ज़ीरो प्लस अल्फा टू प्लस ज़ीरो ज़ीरो प्लस अल्फा टू प्लस ज़ीरो तीसरा ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस अल्फ़ा थ्री तो दिस इज़ ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस अल्फ़ा थ्री इक्वल टू तो ज़ीरो 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 अब देखो ये केवल अल्फ़ा वन हुआ ना ज़ीरो जोड़ने से फ़र्क तो पड़ा ही ना अल्फ़ा टू हुआ और ये अल्फ़ा थ्री हुआ दिस इज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो जीरो अब बताओ तीन कोऑर्डिनेट तीन नंबर यहाँ हैं यहाँ ज़ीरो ज़ीरो है तो तभी संभव होगा जब अल्फा वन भी ज़ीरो हो और अल्फा टू भी ज़ीरो हो और अल्फा थ्री भी जीरो हो तो अब आई परिभाषा में आपने एक इक्वेशन लेके स्टार्ट किया अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस अल्फा थ्री एक्स थ्री तो टू जीरो और बाद में हल करने पर अल्फ़ा वन अल्फा टू अल्फा थ्री तो सब जीरो हो गए तो सेट क्या हुआ लीनियरली इंडिपेंडेंट परिभाषा से देयर फोर सेट वन जीरो 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 वन जीरो सबसे आसान एग्जाम्पल था इसीलिए लिया मैंने दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट अब जरा तो इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें दो जगह वन वन कर दें तीन जगह वन वन कर दें तब देखा जाए क्या होगा तो कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल हर चीज को अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ना तो आपको रुचि आएगी असल में मैथमेटिक्स मुश्किल इसलिए लगती है ना देखो दिस इज़ लीडियरली इंडिपेंडेंट मुश्किल इसलिए लगती है कि हम बस जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं बिना कोशिश किए कि कैसे आया कैसे हुआ ये और यही क्यों हुआ कुछ दूसरा क्यों नहीं हुआ अगर हम थोड़ा परिवर्तन कर दें तो क्या आएगा जिस समय जिज्ञासा आपके अंदर होगी ना तो आपको विषय में रुचि बढ़ जाएगी अब देखो दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ बिल्कुल इसी से मैच करता हुआ एग्ज़ाम्पल नंबर टू इज द सेट चलो इसको यस कह दें वन वन जीरो अब मैंने दो वन ले लिया पहले एक ही था उसके बाद जीरो वन वन यहां भी दो जगह वन इसके बाद थर्ड में क्या लिखूँ मैं बता सकते हैं आप वन जीरो वन तीनों एलिमेंट अलग अलग हैं इज द सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट ये भी आरथ्री के एलिमेंट है ना क्योंकि कोऑर्डिनेट 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 अब देखा जाए बिंदु कहां के हैं जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में लिया था उसमें एक बिंदु एक्सिस का था एक वाई का एक जेट का लेकिन यहाँ देखो यहां जेट जीरो है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है इसका मतलब पॉइंट कहां का है एक्स वाई प्लेन का है है ना जैसे अगर मैं इस कमरे को डायमेंशन थ्री मान लू ओरिजिन हो गया एक्स एक्सिस हो गया वाई एक्सिस हो गया जेड एक्सिस हुआ तुम्हारा एक्स वाई प्लेन नीचे को फर्श हुआ तो ये बिंदु एक्स वाई प्लेन का है यहाँ देखो वाई और जेड दोनों हैं तो कौन सा प्ले पॉइंट हुआ वाई जेड प्लेन का और ये पॉइंट कहाँ का हुआ एक्स जेड प्लेन का चलो तरीका वही अगर तीन एलिमेंट आपके पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है तो क्या मान के चलेंगे अल्फा वन एक्स वन यस प्लस अल्फ़ा टू एक्स टू प्लस अल्फा थ्री एक्स थ्री बराबर यही मान के चलेंगे ना वहाँ यन था तो यन तक यहाँ तीन है तो तीन तक अब चलिए ये हमारा एक्स वन है एक्स टू है एक्स थ्री है तो आप बता सकते हैं कैसे मैं शुरू करूँ कंसीडर यस yes, अल्फ़ा वन इंटू एक्स वन एक्स वन मीन्स वन वन ज़ीरो प्लस अल्फ़ा टू इंटू एक्स टू वाट इज़ एक्स टू जीरो वन वन राइट प्लस अल्फ़ा थ्री वन जीरो वन इसको मिटा सकते हैं तो इसको क्या माना जाए जीरो 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 क्योंकि R3 का जीरो है तो जिसके एलिमेंट होंगे वैसा ही जीरो लिखा जाए अब चलो इसको लेकर चलते हैं और सॉल्व करते हैं देखते हैं कि एलिमेंट जीरो है नॉन जीरो अब वो नियम अल्फा को मैं गुणा करूंगा तीनों पॉइंट से तो यहां पर क्या आएगा अल्फा वन यहां अल्फा वन अल्फ़ा वन इंटू ज़ीरो ये क्या आएगा ज़ीरो राइट right? अब इसको देखो गुणा करो अल्फ़ा टू इंटू ज़ीरो जीरो अल्फ़ा टू अल्फा टू प्लस यहाँ भी जीरो करिए अल्फा थ्री इंटू वन अल्फा थ्री अल्फा थ्री जीरो जीरो अल्फ़ा थ्री दिस इक्ल टू ज़ीरो ज़ीरो जीरो देख ले सब मैंने हर पॉइंट को इसको बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट वाइज मल्टीप्लिकेशन अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के क्या नियम है एक्स एक्स को जोड़ो वाई कोऑर्डिनेट जोड़ो जेड कोऑर्डिनेट जोड़ो अलग अलग जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको जोड़ लें तो मान लो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ा तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ अल्फ़ा वन प्लस जीरो प्लस अल्फा थ्री तो दिस इम्प्लाइज पहला पॉइंट क्या हुआ अल्फ़ा वन प्लस जीरो प्लस अल्फा थ्री अल्फा वन प्लस जीरो प्लस अल्फा अब वाई कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है बोलो अल्फा वन यहाँ अल्फा टू यहाँ जीरो अब हम जेट कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे वहाँ ए क्या है जेट कोऑर्डिनेट जीरो प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री दिस इज इक्वल टू जीरो 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 अब ये तो सीधा क्या हो जाएगा अल्फा वन प्लस अल्फा थ्री अल्फा वन प्लस अल्फा टू अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री दिस इक्वल टू जीरो 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 राइट अब देखिए ये तीन पॉइंट यहाँ हैं और तीन पॉइंट यहाँ तीनों जीरो हैं तो इन्हें भी जीरो होना पड़ेगा ये रूल है तो अल्फ़ा वन प्लस अल्फा थ्री जीरो हो गया दूसरा क्या हुआ अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू जीरो हुआ और तीसरा अल्फ़ा थ्री नहीं अल्फ़ा टू प्लस अल्फा थ्री जीरो हुआ ये क्वेश्चन नंबर वन ए टू ए थ्री इन्हीं से हमें सॉल्व करना होगा किसको अल्फा और अल्फा टू अल्फा थ्री को देखो तीन अज्ञात राशियां हैं और तीन इक्वेशन है तो कैसे हल किया जाए अब देखो अब अगर आप घटाएंगे तो एक कट जाएगा ना लेकिन यहाँ अल्फ़ा टू माइनस अल्फा थ्री आएगा जो भी तरीका चाहो सबसे आसान तरीका होगा सबको ऐड कर दे क्यों या यहीं देखो तुम जैसे अल्फाउन अल्फाउन दोनों जगह है ना तो मैंने टू को वन में से घटा दिया तो क्या लिखोगे टू में से क्या घटाया या चलो लैंग्वेज में लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन मैंने टू को वन में घटाया तो क्या हुआ अल्फा वन अल्फा वन कट गया ना यहाँ क्या है बताइए अल्फा थ्री माइनस अल्फा टू इक्वल टू ज़ीरो इसको चार कह दो अब देखें क्या अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री भी कहीं है यस इट इज हियर तीन में देखो अब अगर मैं तीन और चार को जोड़ दूं तो क्या क्या कट जाएगा माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा टू तो मैं एडिंग जैसे हाई स्कूल में आपने किया होगा समीकरण हल के एडिंग थ्री एंड फोर तो कौन कौन कटे यहाँ प्लस अल्फा थ्री यहाँ माइनस अल्फा थे? प्लस अल्फा टू माइनस अल्फा टू दोनों कट गए और ये जुड़ गए कितना आया बताओ टू अल्फा थ्री जीरो आएगा नहीं एक बार देख लो हमने तीन और चार को ऐड कर दिया तो अल्फ़ा टू यहाँ प्लस यहाँ नेगेटिव तो कट गया और अल्फा थ्री अल्फा थ्री टू अल्फ़ा थ्री ज़ीरो हो गया अब अगर टू अल्फा थ्री जीरो हो गया इसका मतलब अल्फ़ा थ्री जीरो हो गया एक क्वेश्चन जीरो हो गया अब ज़रा बताओ अगर अल्फा थ्री जीरो हुआ तो ये क्वेश्चन नंबर वन नं से क्या होगा बताइए अल्फा थ्री हमने जीरो पुट कर दिया तो अल्फा वन क्या हो गया ज़ीरो हो गया अब अल्फा वन जीरो हो गया तो यहाँ से क्या होगा टू से देख लो अल्फ़ा वन जीरो करोगे तो अल्फ़ा टू जीरो हो गया तो फाइनली हमें क्या मिला कि जो मैं समीकरण लेके चला उसमें तीनों कोफिशेंट अल्फ़ा वन अल्फा टू अल्फा थ्री सब के सब जीरो हो गए तो अल्फ़ा वन ज़ीरो अल्फा टू जीरो अल्फा थ्री जीरो इसका मतलब जो आपको सेट दिया हुआ था वो क्या हो गया इज लीनियरली बोलो इंडिपेंडेंट लेकिन ये मेथड कहीं कहीं काफ़ी मुश्किल हो जाएगा बड़ा समय लग जाएगा ना और मैथमेटिक्स में समय ही बचाना है तो एक चीज़ हम आपको और तरीका दे, दे रहे हैं सिंपल कोई भी सेट आपको दिया जाए यहाँ पर देखो खास बात थी कि कहीं एक जीरो था कहीं दो जीरो थे कहीं कुछ था लेकिन अदरवाइज अगर मैं सेट ऐसा दे दूं तो जरा एक चीज़ ऑब्जर्व करो तो आप देखिए कोई भी सेट लेके आप लगा सक नोट वी हैव सीन अभी तुम लोगों ने लगाया है ना, द सेट एस इज इक्वल टू वन ज़ीरो जीरो शुरू में यही किया, किया था मैंने जीरो वन ज़ीरो जीरो जीरो वन ये सेट क्या था बताओ भाई इज लीनियरली इंडिपेंडेंट था अभी सबसे पहले मैंने यही किया ज़रा इस एक चीज़ देखो अगर मैं इन वेक्टर से एक मैट्रिक्स बना लूँ उसका डिटर्मेंट मना लूँ तो आप यहाँ देखिए लेट ए इज कुल्डो के मैट्रिक्स बना दिया मैंने पहला रो क्या हुआ वन ज़ीरो जीरो दूसरा ज़ीरो वन जीरो तीसरा ज़ीरो ज़ीरो वन अब इसका डेट ले लो व्हाट इज़ मॉडे का मतलब चलो लैंग्वेज में लिख देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ दैट इज मॉड अब मोडे क्या आएगा बताओ वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन अब ज़रा इसको हल करो देखो क्या आएगा वन के साथ क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन वन इन टू वन बाकी सब ज़ीरो हो गया दिस इज़ वन इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो तो आपको एक रूल मिल सकता है कि अगर कोई भी तीन एलिमेंट हैं वेक्टर स्पेस आर थ्री के अगर वो एल आई हैं तो जो आप उसका डिटर्मेंट बनाएंगे वो क्या होना चाहिए नॉन जीरो और ज़ीरो हो गया तो इट इज़ डिपेंडेंट अब देखो इस तरह से आप बड़े से बड़ा एग्जाम्पल कर सकते हैं जिस मेथड से बहुत समय लेगा क्योंकि यहां तो आसान समीकरण था आपने हल किया तो रूल आपको क्या मिल गया व्हाट इज द रूल द सेट एस इज इक्वल टू मान लो मैंने अल्फा वन या कुछ और ले लो ए वन बी वन सी वन तीन एलिमेंट का ले रहे हैं ए टू बी टू ये चार एलिमेंट पांच सबके लिए लागू होगा और ले लिया ए थ्री बी थ्री सी थ्री इज नंबर वन लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ जो ये डिट आएगा ना ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री ये क्या आ जाए दिस इज नॉन जीरो तुरंत चेक करना आसान होगा अगर नॉन जीरो आ जाए तो एल आई होगा एंड सेकंड क्या होगा द सेट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ जो डिटर्मिनेंट आया वो कितना हो जीरो हो जाए इफ डिटर्मेंट इज ज़ीरो तो ये सिंपल रूल हो गया कि किसी केस पे अप्लाई कर सकते हैं देखो आसान सवाल हो तो हमने ऐसे कर लिया कहीं कहीं ये भी मेथड लागू होगा लेकिन अगर मुश्किल सवाल दे, देखो देखो एक मैं डिफ़िकल्ट सवाल दे रहा हूँ जो इस मेथड से बीसों मिनट लगा देगा तो आप उसको इस ढंग से करेंगे एक एग्ज़ाम्पल अभी देख लो फिर और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ भी एग्ज़ाम्पल बना सकते हैं देखिए अगर आपको चीजें क्लियर हों तो अपने आप एग्जाम्पल बनाते जाइए जैसा भी होगा उत्तर देगा इज द सेट एस इज इक्वल टू मालूम है एट रैंडम सेट क्या है वन टू थ्री ठीक चलो यहाँ पर फोर फाइव सिक्स ले लिया एक उसके आगे और ले लिए सेवन एट नाइन इज द सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट एक क्वेश्चन है अगर आप उससे करेंगे तो बहुत मुश्किल समीकरण मिलेगा जो हाई स्कूल में आप पढ़ते नहीं समीकरण तीन तीन अज्ञात राशियों के तीन समीकरण पहले एक को गायब करो फिर दो गायब करो तो टाइम टेकिंग होगा हम इस मेथड से कर रहे हैं अब देखो दिस इज योर ए वन बी वन सी वन दिस इज ए टू बी टू सी थ्री और ये क्या है ए थ्री बी थ्री सी थ्री तो मैं किस चीज की वैल्यू निकालो मॉड मतलब डिटर्मिनेंट पहला रो क्या होगा बोलो वन टू थ्री जैसे माई वन बी वन सी वन सेकेंड रो क्या होगा ये फोर फाइव सिक्स व्हाट इज थर्ड रो सेवन एट नाइन ये हमारा बन गया डिटर्मिनेंट ठीक अब इसकी वैल्यू निकालना है मुझे तो ये सब आपका इंटर में पढ़ा हुआ है कैसे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या नियम है मान लो हमें एक्सपेंड करते हैं रो वाइज तो फर्स्ट रो का मैंने एलिमेंट लिया वन उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को गैप कर देंगे तो अंदर क्या आएगा फाइव इंटू नाइन मैं डिटेल कर दे रहा हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो फाइव इंटू नाइन माइनस बोलो यार तो जानते हैं आप तुरंत लिख दिए फाइव इंटू नाइन फोटी फाइव माइनस सिक्स इंटू एट कितना हुआ फोर्टी एट यही हुआ ना वन के साथ मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो नौ पचे पैंतालीस आठ छः अड़तालीस उसके बाद फिर वन के बाद फिर माइनस टू लेंगे जो रूल है माइनस टू में इसके साथ जो रो है इसके साथ जो काला में उसको छोड़ दो तो अब क्या आएगा यहाँ पर नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स माइनस सिक्स इंटू सेवन फोर्टी टू राइट प्लस जैसे प्लस माइनस प्लस थ्री थ्री के साथ क्या होगा हम इस कॉलम को इस रो को छोड़ देंगे तो क्या बजा फोर इंटू एट थर्टी टू है ना? माइनस सेवन इंटू फाइव कितना होगा पैंतीस एक्सपेंशन है आपने में खूब किया होगा इसको अब जरा देखें वैल्यू क्या आती है तो व्हाट इज़ दिस इक्वल टू फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी एट कितना आया माइनस थ्री माइनस टू के बाद थर्टी सिक्स माइनस फोर्टी टू माइनस सिक्स क्यों प्लस थ्री थर्टी टू माइनस थर्टी फाइव कितना हुआ बताओ माइनस थ्री हुआ ना अभी कितना हुआ बताओ माइनस थ्री प्लस ट्वेल्व माइनस नाइन यही तो हुआ अब ये जीरो हैं एक बार चेक कर लें छत्तीस में बयालीस घटाओगे तो माइनस सिक्स आएगा ना बत्तीस में पैंतीस घटाए तो माइनस थ्री और यहाँ पैंतालीस अड़तालीस घटाए तो माइनस फाइव इतना आया तो कितना आया जीरो या नॉन ज़ीरो बोलो दिस इज़ माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व कितना हो गया है ज़ीरो तुरंत आप बता देंगे ज़ीरो आने पर सेट क्या हुआ लीनियरली यस एनीबडी कैन आंसर अभी कहा ना मैंने अगर डेट नॉन ज़ीरो आ जाए तो एल आई और जीरो आ जाए तो एल डी तो देरफोर मैंने अभी दिखाया नहीं था अगर इसको ले लो जीरो वन ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन ये एल आई था ना इसकी वैल्यू कितनी आई थी वन तो एल आई में हमेशा नॉन जीरो आएगा और ये ज़ीरो आ गया तो देर फोर आंसर क्या निकला आपका देयर फॉर द गिवेन सेट इज वॉट लीनियरली डिपेंडेंट ये ध्यान रखिएगा अब देखिए आसानी से आपने कर लिया अदरवाइज अगर आप वो तीन ही क्वेश्चन बना के सॉल्व करते हैं अल्फा वंद अल्फा टू अल्फा थ्री तो अगर आप करके देखिएगा घर पर अपने तो आपको पंद्रह से बीस मिनट लग सकता है इसको हल करने में तो ये आसान तरीका है किसी भी तीन अगर चार एलिमेंट होते तो एक और लिख देते आराम से आप सेट कर लेते तो वहाँ नॉलेज टाइप क्वेश्चन कि अगर आपको नॉलेज है तो आसानी से आप लगा लेंगे। अब ज़रा कुछ सवाल करें जो अंडरस्टैंडिंग टाइप के हैं मैंने बताया ना सवाल के का लेवल जैसा चाहें आप वैसा हाई कर सकते हैं चलो एक एग्ज़ाम्पल और देते हैं अंडरस्टैंडिंग का है तो इसको लिख दें क्वेश्चन है देखो ये अच्छे सवालों में गिना जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट द सेट एस इज इक्वल टू जीरो वन अल्फा दूसरा एलिमेंट अल्फा वन जीरो और तीसरा वन अल्फा वन इज नंबर वन दोनों बातें इसमें पूछ रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड लीनियरली डिपेंडेंट दोनों बातें इसमें आप पूछ लेंगे अब यहां देखो अल्फा इज नॉट नो यही निकालना है कि अल्फा हम कौन सी वैल्यू दे दें कि यही सेट एल आई हो जाए और यही सेट एल डी हो जाए राइट तो अब तरीका वही देखिए हम क्या बनाएंगे मैट्रिक्स बनाएंगे पहले तो यहाँ लिखो या कौन सा ट्रीटमेंट बनेगा बोलो फर्स्ट रो क्या होगी जीरो वन अल्फा सेकेंड रो अल्फ़ा वन जीरो थर्ड रो वन अल्फा जीरो तो व्हाट वी डू कंसीडर 0, 1, अल्फ़ा फर्स्ट रो second रो अल्फ़ा 1, 0, थर्ड रो 1, अल्फ़ा 1. इसी को लेके चलते हैं इसको चाहे मोडे कह दीजिए इसको हमने मान लिया इसको लेकर हम चल रहे हैं माओडे अब देखिए आपको पता है अगर li होना है तो मोडे नॉन ज़ीरो होना चाहिए और ld होना है तो मॉडे जीरो होना है तो अब इसी की वैल्यू मैं निकालता हूँ एक्सपेंड करिए तो रूल क्या है स्टार्ट करेंगे जीरो जीरो इंटू ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब हो जाएगा तो क्या होगा वन माइनस ज़ीरो फिर प्लस के बाद माइनस वन ये वाला कॉलम ये रो खत्म हो जाएगी तो क्या होगा अल्फ़ा इंटू वन माइनस ज़ीरो प्लस अल्फ़ा एक कॉलम ये रो खत्म हो जाएगी तो क्या हुआ अल्फा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बोलो वन यही तो हुआ देख लें सब लोग जो रूल है किसी डम्ड को एक्सपेंड करने का हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो जीरो के बाद कॉलम और रो जो जीरो से रो होती है कॉलम उसको हटा देंगे तो वन इंटू वन वन जीरो हो गया माइनस वन देखो एक कॉलम हट जाएगा तो ऑल इन सो वन अभी कितना आ गया बताइए ये तो पूरा ज़ीरो हो गया है ना ये क्या हुआ माइनस अल्फा दिस इज ज़ीरो माइनस अल्फा प्लस अल्फा क्यूब माइनस अल्फ़ा अल्फा से गुणा कर दिया अब ज़रा इन दोनों अल्फा को एक साथ कर लो कितना हो गया बताओ अल्फ़ा क्यूब माइनस टू अल्फा यही तो हुआ ना हमने इन अल्फा को कंबाइन कर लिया अब यहाँ अगर मैं अल्फ़ा कामन ले लूँ तो अंदर क्या बचा अल्फा स्क्वायर माइनस टू ये वैल्यू किसकी है मॉड ए की है सो दैट इज़ हमने क्या प्रूव कर दिया कि मॉड ए हमारा हो गया अल्फ़ा इन टू अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस टू अब देखिए अब उत्तर देना आसान हुआ अब जब तक अल्फ़ा ना मालूम हो आप कुछ नहीं कह सकते कि अलई है या अल्डी है पहला उत्तर क्या है इट इज़ लिनरली इंडिपेंडेंट अगर लिनरली इंडिपेंडेंट है तो इसे क्या होना चाहिए जीरो बताया जा चुका है जीरो का मतलब ए भी जीरो हो और ए जीरो हो तो अब चलो केस वन देखिए केस वन द गिवन सेट उसको मैंने एस माना है इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ क्या लिखो बोलो मॉड इज वॉट नॉट इक्ल टू जीरो फिर या अगर एक कन्फ्यूजन हो कि कैसे याद रखें तो बस याद रखो वन जीरो ज़ीरो जीरो वन ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन आपको मालूम है एल आई है इसकी वैल्यू क्या आएगी वन 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 नॉन जीरो तो अगर सेट का एल आई होना है तो मॉडे नॉन जीरो होना चाहिए दैट इज अल्फा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस टू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देखो मॉडे यही तो है अब देखिए नॉन जीरो कब होगा ये अब जैसे अगर मैं ए इंटू बी को नॉन जीरो बनाना चाहूँ इसका मतलब इसको भी जीरो नहीं होना चाहिए इसको भी जीरो नहीं होना चाहिए तो क्या मैं, क्या इस इम्प्लाई करेगा ये

और अल्फा इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू अब अपने ये उत्तर को आपको देना है क्या पूछा था उन्होंने सवाल में कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए सेट अप सेटअपकालीन अरलीट होगा तो क्या उत्तर आया यहाँ नॉट इक्वल टू ज़ीरो कि अल्फा न तो ज़ीरो हो न तो अल्फा रूट टू हो ना माइनस टू हो तो देयरफॉर व्हाट इज़ द फर्स्ट आंसर आंसर नंबर वन क्या हुआ द गिवन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट यही तुम्हारा उत्तर हुआ और सेकेंड का क्या हुआ बताओ द गिवन सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट अब बताओ मोड ए जीरो होना चाहिए ना यहां नॉन जीरो मोडे जीरो तो किसको जीरो होना चाहिए मोडे की वैल्यू कितनी आई है यहां देखो दैट इज अल्फाइन टू अल्फाई स्क्वायर माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो है ना देख सब लो सब लोग आई एम सॉरी इसको जीरो यहाँ नॉन जीरो था यहाँ जीरो अब बताओ ये जीरो कब होगा अल्फा या तो जीरो हो जाए या अल्फा इक्वल टू या अल्फा स्क्वायर इक्वल टू टू हो जाए अर्थात अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस टू जस्ट इसी का उल्टा भाई आपने बराबर नहीं माना तो एलाई हुआ बराबर मान लोगे तो यल डी हो जाएगा तो आंसर क्या लिख मैं व्हाट इज द आंसर द गिवन सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट यहां क्या लिख दिया मैंने नहीं दिस इज इक्वल टू जीरो तो अल्फा इक्वल टू ये तो पहले का लिखा हुआ है तो देर फॉर आंसर क्या हुआ द गि डिपेंडेंट इफ़ बोलो अल्फ़ा या तो जीरो हो या अल्फ़ा क्या हो बोलो भाई प्लस माइनस रूट टू ये हुआ आपका तो जो ये वाला मेथड है डिपेंट का इससे बड़े से बड़ा सवाल मुश्किल से मुश्किल भी आप लगा सकते हैं। छोटे सवाल हैं तो एल वन एल टू एल थ्री है ही है। एक क्वेश्चन देखो और मैं कर दूँ ताकि आपको अच्छा अच्छा समझ में आ जाए एक एग्ज़ाम्पल और कर देते हैं फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले टर्न पर जनरेटिंग सेट क्या होता है फिर इसके हेल्प से बेसिस और तब आपका विक्टर स्पेस के और भी तमाम चीज़ें आएंगी एग्ज़ाम्पल इज़ द सेट चलो मैंने यहाँ पर पहले में दो जगह ज़ीरो लिया दूसरे में हमने वन वन ज़ीरो कर दिया और थर्ड में वन 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 कर दिया इज द सेट दिस लीनियरली इनडिपेंडेंट ये प्रॉब्लम है ये आपका एक्स वन है ए एक्स टू है और एक्स थ्री अब देखिए ये पॉइंट कहाँ का है एक्स एक्सेस ये पॉइंट कहाँ का है एक्स वाई प्लेन का और ये पॉइंट कहाँ का है स्पेस है ना स्पेस मतलब जैसे ये तुम्हारा डायमेंशन थ्री हो तो यहाँ ही हो सकता है एक्स भी वन वाई भी वन जेड भी वन रूल आपको मालूम है ये तुम्हारा एक्स वन है ये एक्स टू है ये एक्स थ्री है तो क्या मैं लेके चलूँ बताओ अब तो आप सीख गए हैं कंसिडर अल्फा वन इन टू यस वन ज़ीरो जीरो अल्फ़ा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू इन टू एक्स टू एक्स टू क्या है वन वन ज़ीरो प्लस अल्फा थ्री एक्स थ्री क्या है वन 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 this is equal to ज़ीरो 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 सिंपल जैसे आपने शुरू किया था है ना क्योंकि कहीं कहीं इसी तरह करना ज़रूरी हो जाएगा तो दोनों मेथड का अभ्यास आपको होना चाहिए अब गुणा करो अल्फ़ा वन इन टू वन अल्फ़ा वन दिस इज़ीरो ज़ीरो अल्फ़ा टू गुणा करो तो क्या आ गया अल्फ़ा टू अल्फ़ा टू ज़ीरो थर्ड अल्फा थ्री अल्फा थ्री अल्फा थ्री डी इक्वल टू तो जीरो 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 एक क्वेश्चन बना इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट वाइज मल्टीप्लिकेशन मैंने कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई कर दिया अब हम ऐड करेंगे एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट से वाई को वाई से जेड को जेड से तो अब तो आपका अभ्यास हो गया होगा ना ऐड करने का यहाँ पर क्या आएगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फ़ा थ्री तीनों एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री राइट अब चलो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है ज़ीरो प्लस अल्फा टू वाई इज अल्फा थ्री जेड कोऑर्डिनेट जेड यहाँ पर क्या है ज़ीरो भी ज़ीरो और यहाँ अल्फा थ्री दिस इज इक्वल टू आया। अब देखो एक जीरोप और लिख दे ताकि आपको आसानी हो दिक्कत ना हो अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री सेकेंड पॉइंट इज बोलो अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री थर्ड इज योर अल्फा थ्री दिस इक्वल टू जीरो 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 अब चलिए तीन कॉर्डिनेट यहाँ यहाँ जीरो जीरो तो तीनों जीरो होंगे तो अल्फ़ा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री पहला ही क्वेश्चन जीरो आ गया दूसरा अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री जीरो आ गया और तीसरा अल्फा थ्री जीरो हो गया इसको वन कह दो इसको टू कह दो इसको थ्री कह दो अब यहाँ अल्फ़ा टू प्लस अल्फ़ा थ्री जीरो है तो अगर मैं यहाँ पर जीरो रखूँ तो अल्फा वन क्या आ गया जीरो तो क्या मतलब हुआ फ्रॉम वन एंड टू आपका अल्फ़ा वन जीरो हो गया क्यों भाई है? है ना क्यों क्योंकि हमने इस पूरी वैल्यू जीरो यहाँ रख दी अब देखो तुम्हारा अल्फ़ा थ्री जीरो है यहाँ अल्फा थ्री जीरो रख दो तो अल्फ़ा टू जीरो हो जाएगा एंड फ्रॉम टू एंड थ्री कौन जीरो हो गया अल्फा टू जीरो हो गया और अल्फा थ्री जीरो है ही है केवल अकेले थ्री से अल्फा थ्री इक्वल टू जीरो तो तीनों जीरो हो गया ना तो सेट क्या हो गया इंडिपेंडेंट एंड देयर फोर या लिखे सिंस अल्फा वन इज नॉट इक्ल टू जीरो अल्फा टू इक्वल टू जीरो

कंसीडर बस लास्ट है फर्स्ट रो क्या होगी बोलो वन जीरो जीरो सेकेंड रो क्या था वन वन जीरो थर्ड रो वन 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 अब निकाल दो इसकी वैल्यू आसानी से निकल आएगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये हमने फर्स्ट रो का एलिमेंट वन लिया वन के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो तो वन इंटू वन वन माइनस जीरो और बाकी तो माइनस जीरो प्लस ज़ीरो सब जीरो है ही है वन आया नॉट इक्वल टू तो जीरो तो सेट क्या हुआ द सेट इज लीनियरली अब आप देख सकते हैं कौन सा मेथड आसान हुआ इसमें आपको सॉल्व करना पड़ा एक क्वेश्चन यहाँ जस्ट आपने बताया मैट्रिक्स के बहुत फ़ायदे हैं तमाम क्वेश्चन हैं जो मैट्रिक्स के तरीके से आप बड़े आसानी से कर लेंगे आई थिंक दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर हाँ हेलो स्टूडेंट जो आपको लेक्चर अभी दिया गया है अबाउट द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेट और वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल्स में कोई भी डाउट हो तो आप जो यूट्यूब चैनल उसके माध्यम से मेरा शायद फ़ोन नंबर वहाँ लिखा हुआ मिलेगा आप पूछ सकते हैं सुबह शाम कभी भी करीब ग्यारह से ले कर चार साढ़े चार तक तो यूनिवर्सिटी में रहेंगे अदरवाइज घर पर रहेंगे तो कहीं भी आप कोई जो भी डिफिकल्टी हो लेकिन ऐसा अच्छा, मेरा एक और निवेदन है मैंने बताया ना कैसे सवाल बनाए जाते हैं अभी नहीं कि आप किताब ढूंढें कहाँ से लगाएं कोई भी सवाल अपने मन से ले लो तुम तीन एलिमेंट का और चाहे पहले मेथड से चाहे दूसरे मेथड से हल करके देख लो तुरंत तुम्हें उत्तर मिल जाएगा एल आई है एल डी है ये घर पर जरूर ट्राई करिएगा अपने मन से एग्जाम्पल बना लो ठीक है दिस इज ऑल